हेलो एवरीवन दिस इज मयूरेश फ्रॉम जिनी बिट्स तो चलिए बात करते हैं अबाउट एच टी एम एल एच टी एम एल कोई एलियन वर्ड नहीं है इट्स अ सिंपल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो एच टी एम एल स्टार्ट करने से पहले क्या क्या सीखने वाले हैं वो तो एक बार देख लेते हैं ये सारा इंडेक्स आप एच टी एम एल में सीखने वाले हो इस थ्रू आउट कोर्स में सीखने वाले हो सबके मन में एक क्वेश्चन तो होगा ही क्या एच टी एम एल एक सही लैंग्वेज है स्टार्ट करने के लिए देखिए मेरी एक आठ साल की छोटी बहन है अगर मैं चाहता हूँ कि उसको एक कोडिंग लैंग्वेज सिखानी है तो एच टी एम एल विल priority द बेस्ट प्रायोरिटी फॉर मी मैं उसे एच टी एम एल ही सिखाऊंगा क्योंकि मेरे हिसाब से एच टी एम एल इज द the लैंग्वेज इन द वर्ल्ड जो एक आठ साल की लड़की भी सीख सकती है सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो जैसे हमने देखा ये सारे सेक्शंस हम कवर करने वाले हैं इन दिस कोर्स बट बिफोर स्टार्टिंग एच के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं जैसे कि पहला पॉइंट एच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज ठीक है इसमें डिफरेंस क्या होता है ये सारी चीज़ें हम कोर्स के ड्यूरिंग समझ लेंगे बट फॉर नाउ इतना समझ लो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है सेकेंड थिंग एच टी में डेवलप हुआ था यानी कि अब से लगभग तीस साल पहले और तब वो एच टी कहा जाता था एज ऑफ नाउ इन 2022 इट्स एच टी एम एल फाइव फिफ्थ वर्जन आ चुका है थर्ड पॉइंट एच टी एम एल इज़ अ लूजली टाइप लैंग्वेज द थिंग इज अगर आप कोडिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हो थोड़ा सा भी इश्यू कर देते हो एक नाम भी गलत हो जाता है तो वो आपको एरर देना स्टार्ट कर देता है यहाँ पे एच टी एम एल में ऐसा कुछ नहीं होता एच टी एम एल आपको एरर नहीं देता है ऑल दो आपको रिजल्ट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट हाँ एरर नहीं मिलेगा आपको सो so, अगर आपको रिजल्ट प्रॉपर चाहिए तो कोड अच्छे से कर लो दैट्स दैट्स वॉट आई विल से सो दिस वॉज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट एच टी एम एल एंड अगर आप लोग ये चीज़ें सोच रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ठीक है चलिए इसी नोट के साथ वीडियो को एंड करते हैं आपसे मिलता हो नेक्स्ट वीडियो में सी यू थैंक यू